टीकमगढ़ जिले के खरगापुर तहसील अंतर्गत ग्राम चौबारा चक्कागोई माता स्टेडियम में नन्हेलाल विश्वकर्मा की स्मृति में हो रहे 10वें शासन द्वारा मान्यता प्राप्त क्रिकेट टूर्नामेंट के 10वें दिन मुख्य अतिथि जिले के मुखिया कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी रहे। राज्य स्तरीय से आई दोनों टीमों सहित समिति और आयोजक हरिशंकर विश्वकर्मा को हार्दिक शुभकामनाएं दी और बताया कि यह टूर्नामेंट मध्य प्रदेश शासन से मान्यता प्राप्त अर्धशासकीय है। स्टेडियम के लिए भी जो शासन से होगा वह पूरा किया जाएगा। अगले वर्ष से विजेता 1,00,000 और उप विजेता को 50,000 सील कप सहित पुरस्कृत किया जाएगा। आयोजक द्वारा समिति के सभी कार्यकर्ताओं को सॉल श्रीफल और सील और सर्टिफिकेट के साथ पुरस्कृत किया गया। कुडीला टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 14 ओवरों में 185 रन का गुलगंज की टीम को लक्ष्य दिया। गुलगंज टीम ने 10 ओवरों में ही विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए मैच को जीत लिया। विजेता को गोल्ड रंग सील कप के साथ 21,000, उप विजेता को गोल्ड रंग सील कप के साथ 11,000 रुपयों से पुरस्कृत किया गया। गुलगंज की टीम से विस्फोटक बल्लेबाज दिग्गी राजा मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज बने। इसको खिलाड़ियों को क्या शुभकामना और क्या कमेंट किया? ये जो राज्य स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट कराया जा रहा है और ये हर साल, मैं पहले भी आ चुका हूँ, हर साल विश्वकर्मा जी इसको और पूरी समिति कराती है। ये बहुत अच्छा टूर्नामेंट है। मेरे ख्याल से टीकमगढ़ ज़िले का एकमात्र ऐसा टूर्नामेंट है जिसमें इतनी बड़ी संख्या में दर्शक आते हैं और निश्चित रूप से इस तरीके की खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन से एक प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित होती है और एक खेल भावना विकसित होती है जो आदमी के विकास, व्यक्तित्व के निर्माण में बहुत सहायक होती है। तो मेरी पूरी समिति को बहुत बहुत शुभकामनाएँ और समस्त खिलाड़ियों को शुभकामनाएं। जो जीतेंगे उनको भी शुभकामना और जो हारेंगे वो भी निराश ना हो, क्योंकि खेल में हार जीत तो चलती रहती है। एक ने एक को जीतना, एक ने एक को हारना है। सर, पंजीयन उदय ने भी आज अनाउंस किया कि अगले साल का जो टूर्नामेंट का पुरस्कार है वो 1,00,000 रुपये विजेता टीम के लिए रहेगा और द्वितीय 21,000 रहेगा, जो कि पिछले बार से बहुत ज़्यादा बढ़ के, इस बार से बहुत ज़्यादा बढ़ के, बल्कि 10 गुना ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये आगे आने वाले जो खिलाड़ी हैं उनके लिए एक बड़ा चुनौती का विषय है और वो बहुत ऊर्जा से, बहुत अच्छी तैयारी के साथ अगली बार और आएंगे। और हार जीत तो बिल्कुल लगी रहती है, खेलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हारते और जीतते वही लोग हैं जो खेलते हैं, जो मैदान में उतरते हैं। इसी भावना को फलीभूत किया है समिति के सभी सदस्यों ने मिलकर और बहुत ऐतिहासिक टूर्नामेंट है ये और इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी मिसाल है। बहुत आपने देखा है, कमेटी द्वारा पुरस्कार दिया गया, 1,00,000 रुपया दे रहे हैं, आगे आपकी क्या तैयारी रही? देखिए, हमें शासन द्वारा, हमारे सम्मानीय कलेक्टर महोदय द्वारा और हमारे क्षेत्र के सम्मानीय SDO महोदय द्वारा इतना हमको एक अनुभव के साथ उनका सहयोग मिला है कि उन्होंने सारी व्यवस्थाएं हमें राइटिंग वर्क में दी हैं और ऐसा अगले टाइम में राइटिंग वर्क में देंगे तो इस आयोजन को हम बढ़ चढ़ के और करेंगे। और हमारे कलेक्टर महोदय द्वारा अगली घोषणा की गई है कि अगले वर्ष के हम इस 10 दिवसीय टूर्नामेंट में 1,00,000 रुपये का पुरस्कार विजेता टीम को देंगे और उप विजेता को 21,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा कप के साथ। और हम व्यवस्थाएं सारी इससे और अच्छी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये संस्था रजिस्टर्ड है, सरकार से संबंध रखती है और खेल के माध्यम से हम ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को उभार कर अंतर्राष्ट्रीय खेलों में एक, क्योंकि उप संचालक और संचालक महोदय हमारे खेल के जो हैं उनके द्वारा हमको कहा गया है कि आपकी संस्था सबसे अच्छा मध्य प्रदेश में एक टूर्नामेंट कराती है, तो आपकी संस्था के जितने भी लड़के खेलते हैं उनके फार्म भरा करके हमको दिए जाएँ और उनका पूरा परिचय दिया जाए, हम जरूर उनको अंतर्राष्ट्रीय खेलों में उनका नाम लेकर के भेजेंगे। तो ऐसी हमारी कोशिश रहेगी पूरी संस्था की। और ये जो संस्था है तो ये संस्था ऐसी नहीं है, इस संस्था में जो भी अपना अपना दान योगदान देता है या उसका सदस्य बनता है तो उसको इसमें इनकम टैक्स रिलीफ मिलेगा, क्योंकि CSR से ये संस्था जुड़ी हुई है, CSR का इसके उससे वो है, कनेक्ट है, तो CSR में ये पूरा सेटलमेंट रहता है। और कलेक्टर महोदय द्वारा भी ये कहा गया है तो हम जिस भूमिका को निभा करके अपने क्षेत्र की प्रतिभाओं को, ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को अगले सर भी अगले सत्र भी हम एक स्मारिका का विमोचन करेंगे जो इस वर्ष का पूरा उसमें साम्राज्य छपेगा क्रिकेट का। और आज इस क्रिकेट टूर्नामेंट का हमने एक अमृत महोत्सव के रूप में कलेक्टर महोदय टीकमगढ़ द्वारा और हमारे SDO महोदय,
हमारे तहसीलदार महोदय के द्वारा। आज हमको इस खेल में उनका पूरा अनुभव मिला और उन अपने मुखारबिंद से हमको सभी को संबोधित किया। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं उनको भी शुभकामनाएं देता हूं और उनके बताए हुए रास्ते पर चल करके हमें समिति के द्वारा आगे हम सभी बच्चों को खिलाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।